चंदवा में 20 लाख रुपए का अवैध गांजा जब्त किया गया। नारकोटिक्स विभाग और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में थाना क्षेत्र से उक्त गांजा जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार एनसीबी रांची को मिली इनपुट पर टीम मारुति मालवाहक का पीछा कर रही थी। इसी क्रम में मालवाहक का चालक ईंधन लेने के लिए चंदवा पेट्रोल पंप पे रुकी। मारुति वाहन का पीछा कर रही टीम ने चंदवा पुलिस से संपर्क साधा। स्थानीय पुलिस की सहायता से मालवाहक मारुति को रोका गया। वाहन को कब्जे में लेने के बाद वाहन का अंडर बॉक्स को खोला गया। उसके अंदर छोटे छोटे गांजा के 37 बंडल दिखे। बरामद गांजा का वजन लगभग 1.25 क्विंटल आंका गया। बरामद गांजा का बाजार मूल्य करीब 20 लाख रुपए बताया जाता है। वाहन में रखे गांजा के साथ दो गांजा तस्करों हरेंद्र यादव व राजकुमार गोंड को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि गांजा की तस्करी उड़ीसा से झारखंड के रास्ते गांजा को दूसरे वाहन में शिफ्ट कर बिहार भेजा जाना था। हिरासत में लिए गए तस्करों से पूछताछ जारी थी। जब्त गांजा वाहन व हिरासत में लिए गए तस्करों को टीम रांची ले जाने की कवायद में जुटी थी। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।